जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, हेलो बिहार, देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद है सिवान के बढ़िया ब्लॉक में, जहां नॉमिनेशन के लिए निकले हुए हैं। राछोपाली पंचायत से देवेंद्र सिंह जी नॉमिनेशन किए, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मुद्दा लगा पंचायत में आ रहे हैं। हमारे पंचायत में जिसके पहले पूर्व जो मुखिया हैं, बड़ी भारी संख्या में लूट खसोट हुआ है, विकास का काम और कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जीतूंगा तो इस पंचायत का विकास करूंगा, और मेरे साथ बहुत भारी जन समर्थन है। इसके पहले जो मुखिया हैं, हमारे पंचायत को लूट लिया गया है। लैट्रिन का हाल वही है, नल जल का हाल वही है, सोखता का हाल वही है, सड़क जो बना वो टूट गया, और ये तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। इंदिरा आवास में भी भारी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। तो यही सब के खिलाफ हम जो है आवाज़ उठाएंगे, और अब की बार जब चुनाव जीतेंगे तो जनता का विकास करेंगे। आपका एक पंचायत में कितना वार्ड? हमारे पंचायत हमारे पंचायत में 12 वार्ड है। 5 नल जल नहीं चल रहा है, 6 नल जल चल रहा है, 1 में नल जल नहीं है जी। क्या जनता जो वोट इतना भीड़ देख रही है, वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल तब्दील हो पाएगा, बिल्कुल। जनता के विश्वास तो खड़े जी, बिल्कुल विश्वास पर। उस समय मैं दूसरे नंबर पर था, मेरे यहाँ से 8 प्रत्याशी लड़े थे, अब की बार प्रत्याशी नहीं है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त रहे? 100% मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। कुछ पैसा था, हाँ जी। ये थे राछोपाली से मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र सिंह, जो पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, फिर अपना जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। इन जनता का भरपूर समर्थन है इनके पीछे, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि राछोपाली में इसके पहले जो भी मुखिया है विकास का काम नहीं किए हैं, अब की बार उनको पूरी तरह से निपटा देना, एक भी वोट ना मिले उनको। मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब कैंडिडेट बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं है, मैं यही कहेंगे। और जो ये मतलब एकदम ईमानदार और कर्मठ, मतलब ये मुखिया प्रत्याशी हैं राछोपाली पंचायत से, और ये ईमानदारी से काम करेंगे। इनके ऊपर खुद विश्वास है हमें। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री जो आवास योजना था, कितना काम हुआ है? अभी उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो पहले का जो मुखिया है प्रत्याशी, वो पहले का जो नल जल हुआ है सब बंद पड़ा है, एक वार्ड में है ही नहीं। और जो भी काम हुआ है सारे कुछ भी ढंग से नहीं हुआ है। इसमें बहुत घोटाला और दलाल मिलकर प्रधानमंत्री योजना, जो भी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं मिला आवास योजना, जो है गरीब व्यक्ति किसी का घर नहीं मिला है। सारे वार्ड को 40,000 रुपए घूस लेकर के, और सबको गरीब अमीर। ये थे राछोपाली पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र सिंह, जिनका साफ कहना है कि जीतने के बाद जनता के बीच रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, और जो भी योजनाएं आएगी उसको धरातल पर उतारेंगे। बन रही है हेलो बिहार के साथ, कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ, मैं पंकज कुमार, बढ़िया ब्लॉक सिवान।